फ्रेंचाइजिंग स्टार के द्वारा सूर्या मॉल भिलाई में कुकिंग एंड फैशन शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई एवं तरह तरह के नए नए डिशेज बनाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में कुकिंग प्रतिभागियों, आयोजनकर्ता एवं जजेस ने पूरब टाइम से कुछ इस तरह की बातचीत की। मैंने आज पान केक बनाया है क्योंकि ग्रीन थीम था, इसलिए मैंने पान फ्लेवर का केक बनाया है और ढोकला बनाया है, सूजी ढोकला। मैं नीलम अग्रवाल। क्या बनाया है, क्या स्पेशल है उसके बारे में? मैंने पान के लड्डू बनाए हैं और ये मल्टीग्रेन आटे की पालक डाल के कचौड़ी बनाई हुई हूँ। नीति अग्रवाल। आपने क्या स्पेशल बनाया है? पत्ता गोभी की खीर है, पत्ता गोभी की खीर है और पान खजूर खाने के बाद खाते हैं। अनिल जोत सिंघानी, आयोजक हूँ इस कार्यक्रम का, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा गॉर्जियस एंड ग्रीन, इस कार्यक्रम का नाम यह है कि गॉर्जियस मतलब होता है खूबसूरत, और ग्रीन हमने सावन और पर्यावरण को लेके, उस जागरूकता को लेके इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और हमारा पंजाबी वुमेन राइजिंग एसोसिएशन जो भिलई दुर्ग की हैं, उनके सहयोग से, उनके तत्वाधान में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में दो तीन विशेषताएं मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। पहली विशेषता यह है कि डिशेस जो बनी हैं, सारे जितने व्यंजन बने हैं, वे व्यंजन पूरे हरी थीम को लेके, ग्रीन थीम को लेके बने हैं। सावन भी है, पर्यावरण को लेके भी कर रहे हैं, तो ग्रीन थीम को लेके बने। उसके अलावा आउटफिट भी इन्होंने जो पहने हुए हैं, सभी ने ये पहने हुए हैं, क्योंकि इनके द्वारा एक यहाँ पे फैशन शो का भी आयोजन किया जा रहा है। कुछ डांस कॉम्पिटिशन है, कुछ सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, कुल मिला के एक ऐसी सांस्कृतिक संध्या है जिसमें गृहिणी एक अपनी दिनचर्या से बाहर निकल के एक अपनी पाक कला का भी यहाँ पर प्रदर्शन करें और साथ साथ एंटरटेन भी हो, एंटरटेनमेंट भी। हमने यहाँ पे कुछ क्विज भी रखे हुए हैं, ढेरों इनाम रखे हुए हैं, हर पार्टिसिपेंट को कोई ना कोई इनाम दिया जा रहा है। मैं मिसेस सोनल कालरा भिलाई से हूँ, मिसेस छत्तीसगढ़ 2017 रह चुकी हूँ। यहाँ पे एज अ जजेस आके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैंने यहाँ पे जैसे इस उसकी थीम है हेल्दी डाइट, तो इसमें मैंने देखा कि जो कचौड़ी की स्टफ्ड कचौड़ी है वो सबसे अच्छा है हेल्दी डाइट के नाम से, और उसमें सत्तू है प्लस मल्टीग्रेन आटा से बना हुआ है, तो हेल्दी भी और टेस्टी भी। मेरा नाम मनीषा रामानी है, कोमल ब्यूटी सलोन से, वैशाली नगर। यहाँ मुझे जजमेंट के लिए बुलाया गया, और यहाँ पे मतलब इतनी अच्छी अच्छी डिशेस हैं कि देख के हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा है कि किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड देना चाहिए। और बहुत इनोवेटिव डिशेस हैं, जैसे कि यहाँ पे मटर का वो बनाया गया है, केक बनाया गया, पराठा, मटर का पराठा है, मटर का केक है, प्लस पत्ता गोभी का केक है, खीर है सॉरी। तो वो खीर तो हमने पहली बार जाकी, बहुत ही अलग इनोवेटिव टेस्ट था और बहुत अच्छा बनाया था। मेरा नाम मैक हमदेव है, मैं दुर्ग से। मेरे को 05 की खीर बहुत पसंद आई, पत्ता गोभी की बनी हुई थी, बहुत ही मतलब यहाँ पे हर किसी ने मेहनत की है, बट जो खास खास है उनके लिए, जजमेंट के लिए हम आए हुए हैं। मेरे को 05 की खीर बहुत पसंद आई, वेजिटेबल की बनी हुई थी। मैं मिसेस दीप्ति खुराना, प्रेसिडेंट ऑफ पंजाबी वुमेन राइजिंग स्टार। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एक प्रोग्राम का आयोजन कराया है गॉर्जियस एंड ग्रीन। गॉर्जियस एंड ग्रीन इसका रीज़न ये था कि जैसे गृहिणियों में छुपी हुई उनकी जो टैलेंट है, जो छुपा हुआ टैलेंट, उनको बाहर दिखाना, सजना सबको पसंद है, तो आज उसी को, दोनों चीज़ों को मतलब मिला के हम लोगों ने एक माहौल बनाया कि आप आइए बाहर सेलिब्रेट किया जाए, तो उसी के सेलिब्रेशन के स्वरूप ही इस प्रोग्राम का आयोजन कराया गया।